वीडियो नहीं देखना। क्या देखना है? देखो ये देख आ रही है, देखो कितनी अच्छी लगाई है, खुद से लगाई है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्रणाम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। अभी आज अभी का स्कूल खुल गया है, अभी स्कूल जा रहा है, अभी 10 बज रहे हैं सुबह के। और सभी को बताया कि करवा चौथ आने वाला है, बहुत ही पास है। मतलब अभी के पापा तो है नहीं, इसलिए मेरा कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, मतलब शॉपिंग वगैरह कुछ भी लेने का मन ही नहीं हो रहा है। और आज देखूंगी अगर कुछ दिख जाए मुझे रास्ते में पूजा का सामान, वही लेके आऊँगी। साड़ी वगैरह तो मेरे पास है तो वही पहन लूँगी। मतलब इस बार इतनी एक्साइटमेंट है भी नहीं और मन ही नहीं हो रहा है, और ना ही मेरा वीडियो बनाने का मन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा ही सामान लूँगी इस बार, देखते हैं करवा चौथ कैसा होता है। अभी के पापा को बहुत मिस कर रहे हैं, बस ये फर्स्ट करवा चौथ है उनके बिना। अभी तो पहले बोल रहा था कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, लेकिन फिर से रेडी हो गया। अभी सुबह जब मम्मा ने बोला था स्कूल चलो तो और रोने लग गए थे क्यों, और अब खुश हो रखा है। अभी बाय। अभी कौन है, क्या नाम है? अभी को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, और मैंने सोचा था पूजा का सामान लूँगी, लेकिन आज ना अभी का ये किट मिल गया है, ये किट मिल गया है अभी का है, तो यही भारी हो गया था मेरे पास। मैंने सोचा पहले इसको घर रख के आ जाती हूँ। अभी का किट आ गया है स्कूल का, देखते इसमें क्या क्या है, बैग बुक्स वगैरह है, तो यही भारी हो गया था, तो फिर मैं इसी को रखने आ गई घर। अभी बच्चे इतना सा आया, बुक्स देखो तुम। ये इतने सारे बुक्स ही होंगे क्या? बाप रे, होमवर्क बुक। सारी चीज़ें मिली अभी के किट में, देखो ये कार्ड टाइप के भी है, इसमें सारा कुछ है, ये भी है, ये भी है। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और हम मार्केट जा रहे हैं सामान लेने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी, जैसे मैंने बोला ये सुबह इस साइड ना, इस व्रत जो है ना करवा चौथ का कमी रखा जाता है, इसलिए दुकानों में है ही नहीं सामान, कुछ है ही नहीं। जैसे हमारे इधर चूड़िया वूड़िया श्रृंगार का सामान ऐसे मतलब सज जाती थी दुकानें, इस साइड इतना है नहीं, तो देखते हैं कैसे कैसे मिलता है। इधर देखा आज अभी का ये कॉपी वाला किट आया, अभी अपने साथ में कार्ड लेके घूम रहा है। अगर ये खो गए ना आपकी टीचर मारेगी आपको। मुझे मारेगी। अच्छा आप खो गए। अच्छा देख, कुछ नजर नहीं आ रहा करवा चौथ का, आगे आ गए हम। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नारे लिया है, कपड़ा लिया है, अभी सामान ले रहे हैं आधा आधा। लेकिन इधर जैसे हमारे साइड से महंगा मिलता है सारा कुछ। ये यहाँ पे ना ये बुक 30 रुपये की है, ठीक ही है, मतलब बुक तो ये छन्नी है 60 रुपये की, जोधपुर में हम 30-40 रुपये की लेते थे ये। और ये भी है यहाँ पे 70-60 रुपए का, जोधपुर में हम इसको भी 30-40 रुपए का ऐसे लेते थे, मतलब वहाँ तो पूरा सेट मिल जाता था 150 रुपए का। बाकी ये लिया है, ये लिए जितना जितना होता है, और बाकी मुझे भी याद नहीं आ रहा है कितना है। तो श्रृंगार वाला लेना है, गेहूँ ले रही हूँ थोड़ा सा। वो पूजा का सामान तो ले लिया है, अभी ना वो नहीं मिला हमको जो मेहंदी श्रृंगार वाला, उसी को ढूँढने जा रहे हैं, पता नहीं है ही नहीं इधर कहीं पे। हम पैक करा रहे जलेबी, जलेबी यहाँ पे खा रहे हैं हम, गोलगप्पे कब से नहीं खाया गोलगप्पे हमने, अभी खाएगा अब दादी जब नहीं खा रही है, मैं ही खा रही हूँ। आज मुझे ये कुर्सी भी मिल गई है बैठने की। मार्केट से तो हम आ गए, यहाँ पे सूट दिया था उसको लेते। हेलो दोस्तों, अभी हम घर पे पहुँच गए हैं और आधा ही सामान मिला आधा नहीं मिला,
वो जो होता है ना वो क्या बोलते हैं मेहंदी वगैरह नेल पेंट चूड़ियाँ वगैरह वो कहीं दिखी नहीं इधर, जिधर जिधर हम गए 2-3 गलियों में कहीं नहीं दिखी। तो कल अभी को स्कूल छोड़ने जाऊंगी तब लेके आ जाऊंगी। इधर ज़्यादा दुकानें हैं ही नहीं, करवा चौथ इधर शायद लोग कम जानते हैं कम लेते हैं, तो दुकानें ऐसी हैं नहीं, बस थोड़ा थोड़ा है बस। दूध गर्म जलेबी के लिए, जलेबी और दूध का कॉम्बिनेशन। आज हम दूसरे वाले भैया से लेके आए, ये भी गरम गरम से उनको टेस्ट करके अच्छी होती है। गोल गोल बना दिया, खाओ। खाएगा? हमने चक्का बना दिया। चक्का? चक्का। ये ऐसे देखो, छोटा देना है कि बड़ा? ऐसे खाओ। बड़ा है। ये अभी का नया बैग रेडी हो गया है, इसमें नाम वगैरह लिख दिया है, बस अभी का फोटो लगाना है। बुक्स निकाल के उसमें बैठा है और दुकान वाला भैया बना है। क्या बना रहे हो बताओ? ए लड्डू, ए लड्डू, ये लड्डू, हाँ फुल लड्डू। आप कौन हो? दीजिए दीजिए लीजिए। ये सारी बुक्स पे कवर करना है, सारी बुक पर कवर करना है। कैसे करेंगे हम? पापा होते तो कर लेते जल्दी जल्दी। मैं करूंगा ना आपका कवर। मेरा कवर? मेरे पे करोगे कवर? हैं? हमने स्कूल का कवर कर रहा हूं मैं। कार्ड का है, इस पे भी तो लिखना है नाम। अच्छा दीजिए। क्या दीजिए? हाँ? वो कार्ड। क्या कार्ड दीजिए? कार्ड दीजिए। हाँ लीजिए दीजिए वाला बने। नो आ रही है, कल से इसी कैब को ले जाना है, ठीक है? ओके। अस्मित बेस्ट। अच्छा अस्मित बेस्ट। ये होमवर्क कर रहा है, अच्छा अच्छा बनाओगे? दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी हम स्कूल जा रहे हैं और आजकल मेरे ब्लॉगिंग का कुछ ऐसे ही हो रहा है, मतलब कुछ रूटीन नहीं है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आजकल ना ऐसे ही हो रहा है। मैं कभी भी ऐसे सोचती हूँ कि वीडियोस बना लूँ बस। तो अभी जा रहे हैं हम स्कूल, कल हमें पूरा सामान नहीं मिला था तो आज देखती हूँ थोड़ा थोड़ा अगर मिल जाएगा। इधर इधर दुकानों का भी इतना पता नहीं है तो ढूँढेंगे फिर। हेलो दोस्तों, अभी मैं अभी को छोड़ के आ गई हूँ और अभी मैं इधर कॉस्मेटिक का दुकान ढूँढूँगी, पैदल ही जा रही हूँ, और दिन में ऑटो में जाती थी। यहाँ से मैं फ्रूट्स ले रही हूँ अभी पूजा के लिए, तो बैठ रखी हूँ, ये गन्ने का जूस पी रही हूँ क्योंकि कल फास्ट है ना, तो मतलब थोड़ा सा पानी की कमी नहीं होगी बस, क्योंकि नारियल पानी ढूंढ रही थी इधर, मुझे मिला नहीं इस रोड पे, दूसरी साइड जाना पड़ेगा उसके लिए, तो सोचा यही पी लेती हूँ गन्ने का जूस। दुकान मिली है बड़ी मुश्किल से, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा कि कॉस्मेटिक कुछ होगा, यहाँ पे कीप वगैरह मेहंदी कीप वगैरह। इतनी दूर से आए ना, बस यही दुकान है जहाँ पे करवा चौथ का सामान रखा हुआ है, पूरी मतलब ये रोड है ना, पूरी रोड में यही दुकान है जहाँ पे करवा चौथ का सामान है। मिल गई है मुझे कीप और ये सिंदूर लेना था मुझे। यहाँ पे ये रोली रखी है ना, इसको देख के मुझे याद आ गया कि कल मैंने ये भी नहीं लिया था, तो ये इसको भी लेना है मुझे, ये सामान भूल ही जाती है पता हमें। ये आंटी कब से बिंदी ढूंढने पर लगी हुई है, मुझे यहाँ पे 20 मिनट हो गए, मैं तो यहाँ पे बैठ गई हूँ, उनको अपनी दुकान का सामान ही नहीं पता है कहाँ रखा है, कब से ढूंढने पर लगी हुई है, और मैं यहाँ से जा भी नहीं सकती क्योंकि और दुकानें मुझे मिलेंगी नहीं, तो फिर यहीं पर बैठना पड़ रहा है। इधर कई दुकानें दिखी नहीं रही कॉस्मेटिक की, ऐसे चूड़ियाँ भी लेनी थी मुझे अपने लिए, मैं क्योंकि घर से लेके नहीं आई ना, मुझे इधर से ही लेना था, लेकिन वो भी नहीं दिख रही मुझे इधर कहीं, कब से ढूंढने पे लगी हुई है। देखो सारी पोटली खोल दी उन्होंने अपनी दुकान की, कब से ढूंढने पे लगी हुई है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो रहने दीजिए। ये आंटी को मिल गया अपना फंजू, इसमें मिल गई बिंदिया, तो मैं मूंगफली ले रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड होते ना तो कितनी बार लेके चले जाते, इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और हम अभी हम मेहंदी लगा रहे थे, यहाँ पे जो बगल में एक
बहन रहती है ना, वो मतलब उसके हस्बैंड भी एयरफोर्स में ही है, उसने तो लगा दी अपने हाथ पैरों पे, और मुझे मेरे तो मन ही नहीं हो रहा है सुबह से कुछ भी करने का, बस ना मेहंदी लगाने का ऐसे ही बस। अभी 6 बज गए हैं और मैं अभी देखो ये वैक्सिंग कर रही थी, मेहंदी दिखाती हूँ आपको। अच्छी आ गई है, देखो कितनी अच्छी लगाई है, खुद से लगाई है और ये पैरों पे लगाई है। और दूसरे हाथ में बाहर जाना था लेकिन अभी हस्बैंड ड्यूटी से नहीं आए, ड्यूटी का यही होता है, वो बोल रहे जब वो आएंगे तब बाहर लेके जाएंगे, तब मेहंदी लगाएंगे। इसको हर काम करना है, इसको पीछे भी करो, बनाओ दूर से, उधर जाके बनाओ, खड़े हो, दीदी भी दिखेगी और मम्मा भी दिखेगी। अपना फिंगर हटाओ वहां से, हटा दिया, उधर खड़े हो कोने में, खड़े हो जाओ, यहाँ से नहीं दिखेगा बेटा कोई, दिख जाएगा। तो बोलो ना कुछ, फिर बोलो, हेलो दोस्तों, देखो मैं दीदी की मामा हाथ पर लगा दिया है। क्या लगा रही है, मैंने तो बोला ही नहीं, ये बोल दिया मम्मा दीदी के हाथ पे लगा दिया। कोई कपड़ा ले लो, मैं इधर नहीं हो रहा है, दीदी को आता है मेहंदी लगाना, मैंने तो ऐसे थप्पड़ बना था। ये कंप्लीट हो गई है मेरी मेहंदी, वो तो चली गई, उसको बाहर जाना था तो दूसरे हाथ में और पैर में मैं लगा ही लूँगी अभी थोड़ा थोड़ा करके। मेरे थोला, मिस यू, डोन मेरी हेल्प कर रहा है, क्या कर रही होगी तुम, डोन मेरी हेल्प, इसको ऐसे पकड़ना ठीक है, करो ना जल्दी, ठीक है, इसको साइड रखो थोड़ा सा ऐसे करके, तो मम्मा इस वाली फिंगर पे लगाएगी, ऐसे दे दो, ऐसे रखना ठीक है, देखो दोस्तों मैंने पैरों पे भी लपोड़ दिया है ऐसे ही ऐसे ही लगा दिया है, इतना अच्छा नहीं लगा है लेकिन ठीक है। हर बार करवा चौथ में ना इस हाथ पे मैं लगाती थी, दूसरे हाथ पे थोला लगाते थे, इस बार याद आ रही है थोला की। लड़की हो ना रबड़ भी लगा रहा है। बाय दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल मिलेंगे। देखो दोस्तों सबसे सरल और सबसे अच्छी मेहंदी अभी ने लगाई।